जय श्री राधे कृष्ण साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुख जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए बड़ों को प्रणाम करती हूँ। साथियों मैंने पितृ पक्ष के लिए कई वीडियो बनाई, लेकिन आज एक लाइव वीडियो आपके सामने लेकर आ रही हूँ कि पितरों के तर्पण के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए यदि हम घर में कर रहे हैं, यदि हमारे पास कोई ब्राह्मण देवता अवेलेबल है जिनके माध्यम से हम करा सकते हैं, तो ये मंत्रोच्चारण आप देख लीजिए। यदि नहीं है तो ये मंत्रोच्चारण जो आज की इस वीडियो में है ये बिल्कुल आसान है, आप चाहें तो स्वयं भी इसको कर सकते हैं। इसमें आपको जल, गंगा जल, काले तिल और हल्दी, ये चार चीज और कुशा आपको आवश्यकता होती है तर्पण के लिए। तो आइए चलिए मेरे साथ। ओम मम माधवाय नमः, केशवाय नमः, गोविंदाय नमो नमः। ओम महस्तो प्रक्षालयम् मह। ओम महरिः यम् मह। ओम मम पृथ्वी त्वयादि तालोकम् देवी तम विष्णु नाम दिता त्वम च धारा माम देवा पवित्रो कुरु चाशनम् मह। ओम मरियम मम स्वस्ति नम द्रोविध सर्वा स्वस्ति न भूखा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारि चोरिष्टनिधि। ओम मरियम मम विष्णु नमः परमात्मे वराणे दत्सदोदस्य दुत्य प्रार्थे श्री सीत बारा कल बेजम्बोदे पे वर्तखंडे आर्यादि संते गाते मुखा मासे वम्मा हरि ही अम्मा आसने मासे कृष्णे बच्चे मुखा तेतो ओम तृतीयायं तेतो मुखा सर्वना अपना नाम अमुखा गोत्र गोत्र का नाम गोत्र उत्पन्नो हम तेतो जिसके निमित्त इस राज कर रहे अमुख नाम निम्यार्थम मम श्री श्राद्धस्य निमित्तेन ओम मम समस्त पितरस्य तर्पणस्य महम करिष्ये। दोनों हाथ ऐसे करिए। ओम हरिः यम मम देवताभ्य विस्तृवे समायोगिभ्यैव च नमः स्वाहाय स्वाधाय नित्यनेम नमो नमः गायत्रे दृष्टो जगत्यनिष्टो वन्द्यासाव्यतुष्ण्यागर सूचेभे शम्यान्दतम पितुः नाम निमित्तकेनम पिताजिको नाम ओं मम तस्मै स्वदा दस्मै स्वदा दस्मै स्वदा मुख गोत्र गोत्र का नाम गोत्र उत्पन्नो हमात्रस्य नाम निमित्तकेन माताजिको नाम ओं मम तस्मै स्वदा दस्मै स्वदा ओं मा हरिः यम मा ओं मम जजाग्रे तो दूरमदे तो देवं दादु सुप्तस्य तथे वे ते दुरंगमं पितुः नाम निमित्तकेन दादाजिको नाम ओम मम तस्मै स्वदा दस्मै स्वदा दस्मै स्वदा मुख गोत्र गोत्र गणम गोत्र उत्पन्नो हमात्रस्य नाम निमित्तकेन दादी जी को नाम ओम मम तस्मै स्वदा दस्मै स्वदा ओम मा हरिः यम मा ओम मम वेदामेकं मूर्खमहं नमादित्य वर्णं नमः पारस्थ त्वमेवं पितुः नाम निमित्तकेन मुख नाम निम्यार्थं मम प्रदादा जी को नाम ओम मम तस्मै स्वदा दस्मै स्वदा मुख गोत्र गोत्र गणम गोत्र उत्पन्नो हमात्रस्य नाम निमित्तकेन प्रदादि जी को नाम ओम मम तस्मै स्वदा दस्मै स्वदा ओम मा ओम मम वेदहमेकं मूर्खमहं नमादित्य वारणं नमः वारस्थ त्वमेवं पितुः नाम निमित्तकेन मुख नाम निम्यार्थं मम श्री नानाजी को नाम ओम मम तस्मै स्वदा दस्मै स्वदा मुख गोत्र गोत्र गणम गोत्र उत्पन्नो हमात्रस्य नाम निमित्तकेन नानी जी को नाम ओम मम तस्मै स्वदा और भी पितर है ध्यान करिए ओम मम समस्त पितरस्य आत्मा संते मोक्ष वरदानं यार्थं मम श्री समस्त परिवार सुख शांते निमित्तकेन पितरस्य आवाहनम महं करिष्ये। छोड़ दीजिए दोनों हाथ। आप
गोत्र गोत्र गणम गोत्र उत्पन्न मात्रस्य नाम निमित्तेन अम्बा हरिः अम्बा अम्बा हरिः अम्बा यद वलिखेन अभिखा देवा जग्गम अम्मानम् आवादम वोरो खंबा सोमाम पितो नाम निमित्तेन मुख नाम निम्यार्थम मम श्रेह अम्बम दादाजी को नाम अम्बम तस्मै स्वदा तस्मै स्वदा तस्मै स्वदा मुख गोत्र गोत्र गणम गोत्र उत्पन्न मात्रस्य नाम निमित्तेन दादी जी को नाम वम तस्मै स्वदा तस्मै स्वदा वम्मः वम मम जागरतो दूरम देतो देवंगाल सुप्तस्य ताथे वे तेजोरंगमं पितुः नाम निमित्तेन मुख नाम निम्यार्थम मम श्रे पर दादाजी को नाम वम तस्मै स्वदा तस्मै स्वदा मुख गोत्र गोत्र गणम गोत्र उत्पन्न मात्रस्य नाम निमित्तेन नानाजी को नाम वम तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा मुख गोत्र गोत्र गणम गोत्र उत्पन्न मात्रस्य नाम निमित्तेन नानी जी को नाम वम तस्मै स्वधा और भी पिता रह ध्यान करिए वम समस्त पितृस्य आत्मा सन्न मोक्ष प्रदान निम्यार्थम मम श्री समस्त परिवार सुख शांति निमित्तेन पितृस्य आवाहनम अहम् कार्य से छोड़ दीजिए। अब दाएं हाथ को मुठा सकते हरि अम्म देवता समाहयोगिभ्यो एव च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्य नेम नमो नमः गायत्रे त्रेष्ठो जगत्यनिष्ठो वन्दासाव्य तुष्णीयागुचेवे सम्यान्दतम पितुः नाम निमित्तेन पिताजी को नाम वम तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा मुखा गोत्र गोत्र गणम गोत्रोत्पन्नो मात्रस्य नाम निमित्तेन माताजी को नाम वम तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा वम्बा हरिः अम्बा वम्मम यदवृखेनामिखा देवा जग्गन्मन्मानम् आवादम् वोरुखम्बा सोमाम् पितुः नाम निमित्तेन मुख नाम निम्यार्थम् मम श्रेः दादाजी को नाम वम्मम तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा मुख गोत्र गोत्र गणम गोत्र उत्पन्न मात्रस्य नाम निमित्तेन दादी जी को नाम वम तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा वम्बा हरिः अम्बा वम देवदहनैगम्बोरुखमं नमादित्य वारणं नम सापरस्तात्वमेवं पितुः नाम निमित्तेन प्रदादाजी को नाम वम तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा मुखा गोत्र गोत्र गणम गोत्रोत्पन्न मात्रस्य नाम निमित्तेन प्रदादी जी को नाम वम तस्मै स्वधा वम्बा हरिः अम्बा वम यदवृखेण विखा देवा जग्गम नन्मानम् आवादम वोरो खंबा सोमान पितुः नाम निमित्तेन नानाजी को नाम वम तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा मुखा गोत्र गोत्र गणम गोत्रोत्पन्नो मात्रस्य नाम निमित्तेन नानी जी को नाम वम तस्मै स्वधा और भी पिता रह ध्यान करिए वम समस्त पितृस्य आत्मा संते मोक्ष प्रदानम्यार्थम मम श्री श्राद्धस्य निमित्तेन ओम समस्त परिवार सुख शांति निमित्तेन पितृस्य आवाहनम अहम् करिष्ये। जल में हाथ लगाइए। ओम मम देवता वेवितृभ्यश्च महायोगिभ्यो एव च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्य नेम नमो नमः। नेत्र लगाइए, हटा लीजिए। 11 बार गायत्री जाप। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
ओम हरिः ओम नमः विष्णु नमः परमात्मे गुणाने न सदोदस्ये दुत्ते प्रार्थे श्री शेतवाराकल बेजुम्बोदेवे वर्तखंडे आर्यादि संते गाते अमुखा मासे ओम मा श्री मासे कृष्णे वक्षे मुखा तिथो ओम तृत्यायम तिथो मुखा सर्वनापना नाम अमुखा गोत्र गोत्र का नाम गोत्र उत्पन्नो हम मम जिसके निमित्ति श्राद्ध करे नाम भी ओम मा मुख नाम निम्यार्थम मम श्री श्राद्धस्य निमित्तकेन स्वाहा कागाय बलि भोजनस्य निम्यार्थम मम श्री ब्राह्मणस्य भोजनस्य निम्यार्थम मम श्री महम करिष्ये चोर विजय ओम मत्स्वाय नमम कागाय बलि भोजनस्य हाथ लगा लीजिए इस पे ओम मम मत्स्वाय नमम कागाय बलि भोजनस्य निम्यार्थम मम श्री ओम गोग्रासस्य महम करिष्ये ओम मा हरिः ओम मम भक्र तुंड महाकायम कोटि सूर्य समम ब्रह्म निर्विघ्नं गुणमीलेव सर्वे कार्येषु सर्वदा ओम पितुः शान्ति निम्यार्थम मम श्रेय ओम मम नमो नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम मम श्रेय विष्णवे नमः वाहनम स्थास्यामि ये थी मेरे घर में पितृपक्ष में हो रही पूजा की वीडियो। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। इसके माध्यम से किसी भी तरह से आप चाहें शायद आपके लिए कहीं ना कहीं उपयोगी साबित हो जाए। चलिए मिलते हैं फिर एक और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ईश्वर आपकी मदद करे।